अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर सना व्लॉग। आपको नज़र आ रहा होगा सुबह की रूटीन स्टार्ट है, ओवन है, ओवन में चाय गर्म करती हूँ और साथ ही बना रही हूँ सैंडविच मेकर में सैंडविच, और लाइट से सैंडविच बना रही हूँ जो चाय के साथ खाए जाएँ। और इसमें मैंने सैंडविच में थोड़ा सा मैंने अंडा फ्राई करके दोनों साइड पे रख के मैंने सैंडविच बनाए थे, और 4 से 5 सैंडविच बनाए थे बच्चों के लिए। और सुबह का नाश्ता समटाइम अच्छे लगते हैं और समटाइम मैं इन्हें सिंपल ब्रेड दे देती हूँ, समटाइम कहते हैं कि हमें सैंडविच में आप बना के दें, सैंडविच मेकर में सैंडविच अच्छे लगते हैं। और ये देखें डन हो गए, गरम गरम थे तो इसलिए मैंने छुरी यूज़ की है, और साथ ही दूसरी छुरी ढूंढ रही थी और ये बच्चों ने कहाँ रखी हुई है ये देखें। सब्जी मैं काट रही थी बट रख इन्होंने दी, और साथ ही मैं क्लीन कर रही हूँ। टेबल है रूम के, मेरे रूम के बेडरूम में कॉर्नर में है, तो कॉर्नर में मैंने ये टेबल इसलिए रखी हुई है, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं इस पर, एक पानी का जग आ जाता है जो हर वक्त पड़ा रहता है भरा हुआ, और ये वॉच है, और बाकी छोटे छोटे गुलदान वगैरह हैं। और क्लीन कर रही थी, बच्चे पानी गिरा देते हैं, चीज़ें गिरा देते हैं, और इस पे मैंने कुछ कवर वगैरह नहीं डाला हुआ, ये ऐसे ही अच्छी लगती है। और हाँ ये कहती हूँ कि बच्चों पानी अवॉइड करो, इससे ज़ाहिर है फर्नीचर है तो ख़राब हो जाएगा। तो ये मेरे कॉर्नर में है कमरे के, यहाँ जो ज़रूरत की चीज़ होती है मैं ला के रख देती हूँ। और ये देखें ग्लास स्टैंड है साथ ही, और गौहर को मैंने कैमरा दिया हुआ है कि मैं साफ़ करती हूँ, आप थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दो। और ये कॉर्नर में, और ये बहुत यूज़फुल है मेरे रूम में, मैंने कॉर्नर पे टेबल जब से लगाई है काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, और एक साइड पे वो नहीं रहता गन। जी ये अब्दुल्ला के सारे कपड़े सारे मैंने वॉश किए हैं, छत से लेके आई हूँ, सारे अब्दुल्ला के हैं, सारे पैंट्स वगैरह। और हाँ ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये अब्दुल्ला के टॉयज़ का है, इसमें टॉयज़ डाले हुए हैं मैंने बॉक्स में, और ये इसकी कबर्ड है साथ, कबर्ड में डालूँगी, और साथ ये दराज है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े खाने हैं, और इसमें भी अब्दुल्ला के कपड़े होते हैं इसमें सारे में। अब तय लगा के इसमें रखूँगी, और ये प्लास्टिक की बनी हुई है, और साथ ये कबर्ड है इसमें भी डाल लेती हूँ। और बच्चों का तो माशाल्लाह बहुत ही, स्पेशली अब्दुल्ला के कपड़े बहुत ज़्यादा, अब ये अकेले के हम, अब मैंने तय लगा के प्रेस करके कबर्ड में रख दूँगी ये मैं। और जी यहाँ हैं जी रात के लिए स्नैक वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, लेस वगैरह, बच्चों की कैंडीज, बादाम, और ये थोड़े से केक तो शेयर कर रही थी आपके साथ। रात को अक्सर भूख लग जाती है और उसके लिए स्नैक वगैरह ला के रखे हैं, कुछ बच्चों के हैं कुछ बड़ों के हैं, तो उसमें बादाम है और दाल मूंग है और नीमको वगैरह जो भी है रात टाइम, और इनको निकाल के मैं बॉक्स में रख दूंगी। गाड़ी है इसके अंदर, इसके अंदर गाड़ी है। हाँ, मेरे लिए, वाओ ये देखो, ये देखो मम्मा के लिए गाड़ी लेके आए हैं जी। ओह लंच बॉक्स में, दुल्ला लंच बॉक्स में गाड़ी लेके आया जी, वाओ। ये देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ा सा ऑमलेट, और एक अदद मैंने प्याज लिया, थोड़ा सा मैंने ऑयल यूज़ किया, पहले तो मैं घी वगैरह यूज़ करती थी लेकिन मैं जब देखा मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और बीपी का भी इशू है मुझे थोड़ा सा साथ साथ, तो मैंने ये भी मुझे ज़्यादा लग रहा है मैंने ऑयल ज़्यादा डाल दिया। एक अदद प्याज लिया, 2 मैंने हरी मिर्च ली है, और लाइट, और एक अदद मैं अंडा डालूँगी और अपने लिए ही ऑमलेट बनाऊँगी थोड़ा सा, और सर्दियों में वैसे भी अच्छा लगता है अंडा, वैसे मैं कम कम ही यूज़ करती हूँ और हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अंडा। और एक अदद अंडा डाल के मैंने ये रेडी किया है ऑमलेट, और बताएं ये लंच में है या ब्रेकफास्ट में, दोनों में चल जाता है वैसे।
बट ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए अब्दुल्ला मैं इधर हूँ तो अब्दुल्ला फ़ौरन रोटी बनाने लग गया। और साथ ही ये मैं चाय दूध ऐड कर रही हूँ, अपनी ये चाय बना रही हूँ साथ साथ। और मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।